get us. Where was Lavor? Where was that? नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्पमित्र आकाश जाधव YouTube चैनल। आज हम पहुंचे हैं हिवरे बाजार गांव। ये आदर्श गांव है अहमदनगर जिला में। यहाँ से हमें शिवाजी भीमाजी कदम, इन्होंने कॉल किया था, उनके कुएं में एक सांप है, उसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो दोस्तों, कैमरामैन अतुल पाखर के साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलो जी बोल। तो दोस्तों, यहाँ पर कुएं के पास हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें एक रसल स्वाइपर स्नेक है। रसल स्वाइपर स्नेक एक जहरीला सांप है। इस सांप को हिंदी में चित्ती और मराठी में घुनस इस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस सांप को हम रेस्क्यू करेंगे और एक सुरक्षित जगह पर इस सांप को हम रिलीज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रेस्क्यू। बर लांब बांध राहिले थांब। एक मिनिट थांबता का? पाईप आहे ना, सटकतोय झरना असं बोलला। सोडू कडेला थोडं भाईजान, तिकडून जायला जागा आहे बघ। बरं, तिकडून लोटता येईल मग। हे काम करा। हा कॉस्टिंग जातो तिथे आपल्या तेवढे ना थोडं घाली जाम। वर उचला, वर बस 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 पळाले परत। चप्पल आहे रे ते, वडू का बघ ना। नाही इथे मधी आहे ना खोडे। अरे तसं नाही जमणार। थोडं वरती नका इथून। एक जण फक्त वरती आहे तार मरून जाईल ती पाणी काय ती खेरी नाही ती खेरी आहे कुठे दोघी
थोड़ा सा दे देता हूँ। मालूम नहीं जाओ जी कर बघू ना का। दोस्तों आपने देखा बड़ा ही रिस्क उठाकर हमारे नवाशे कुएं में उतरे और एक रसल स्वाइपर ने कुएं से बाहर निकाला है। तो आप देख सकते हैं एक जहरीला रसल स्वाइपर स्नेक, बहुत ज़्यादा फुर्तीला भी है। तो दोस्तों इसकी पहचान आप देख सकते हैं किस तरह दिखाई देता है। रसल स्वाइपर के आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसके शरीर पर गर्दन से लेकर पूंछ की नोक तक जिस तरह चैन होती है उसी तरह धब्बे होते हैं गोलाकार, और वो धब्बे जो है ब्राउन कलर में, डार्क चॉकलेट कलर में, हल्के से काले कलर में दिखाई देते हैं, और उसके ऊपर वाइट कलर में बॉर्डर भी दिखाई देती है। तो दोस्तों अभी इस सांप को हम एक सुरक्षित जगह पर रिलीज़ करेंगे। दोस्तों आपने देखा एक रसल स्वाइपर स्नेक कुएं में रेस्क्यू किया था। यहाँ पर इस सांप को मैं फॉरेस्ट में रिलीज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों यह सांप अभी अपने पर्यावरण में आज़ाद है। इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल बटन दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।